खत्म यूँ कह सकते हैं स्टैटिक जीके की सीरीज आपके सामने है। और स्टैटिक जीके आप भी जानते हैं कि परीक्षा के लिए कितना उपयोगी। आज स्टैटिक जीके विविध की सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख खेल कूद और खेल से जुड़े प्रमुख प्रश्न या शब्दावलियां जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा, जहां पर हम प्रश्नों के साथ साथ हम इसकी विस्तृत व्याख्या भी लेकर आए हैं, ताकि आपके प्रश्न के साथ साथ आपके खुद के अपने नोट्स भी बनकर तैयार हो जाए। तो कॉपी कलम लेकर बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपका भी खुद का नोट्स आपके पास हो। वह कौन सा खेल है जिसमें टाइगर वुड्स क्या है विख्यात है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, पोल वॉल्ट। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, वे सभी साथी जवाब देंगे। इन प्रश्नों से भी हम प्रश्न बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से सवाल आपके कम से कम गलत हो और ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित कर सके। तो फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों को हम लोग तेजी से पढ़ेंगे, ताकि क्योंकि आपका समय काफी बहुमूल्य और कीमती है। जी हाँ, पहली बात तो ये जान लीजिएगा टाइगर वुड्स कहाँ के हैं। ये यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। एक प्रश्न आपके परीक्षा में जो पूछा जाता है वो आपका तैयार हो गया कि टाइगर वुड्स जो हैं वो अमेरिका के हैं। दूसरा, ये एक गोल्फ खिलाड़ी कैसे हैं? ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं। कैसे खिलाड़ी हैं ये गोल्फ के, अर्थात इसका तीसरा यू कह सकते हैं विकल्प सी इसका सही जवाब है। और इन्होंने अभी तक की दुनिया में सर्वाधिक गोल खिलाड़ी बनाती है, मतलब सर्वाधिक गोल करने का भी इन्हें बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथी जवाब देंगे। मेरा भी आपसे एक सवाल है कि ओलंपिक दिवस या ओलंपिक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? मेरा सवाल आप सभी से है कि जो ओलंपिक गेम है ये कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है जीएस जीके विविध स्टैटिक जीके की। जी हाँ, 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर, 23 जून। जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करने के बाद दिए गए सवाल का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, कितने वर्ष जून को? 23 जून को। कारण क्या है कि 23 जून 1894, 23 जून 1894, ध्यान दीजिएगा, 23 जून 1894, 23 जून 1894 को पेरिस के सोरबोन में की गई थी। इस दिन स्मरण के याद करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। यह दिवस एथलेटिक, लिंग, आयु आदि का भेद के बिना पूरे दुनिया में खेलों में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है, मेरा सवाल आपसे था कि ओलंपिक कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है, तो लोगों के जवाब सही आ रहे थे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, इसके एक सवाल पीछे छूट गया था, फुटबॉल के गोल की चौड़ाई क्या होती है? सभी साथी जवाब देंगे। बात करें तो फुटबॉल के गोल की चौड़ाई क्या होती है, तो यहां पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फुटबॉल की जो गोल की चौड़ाई क्या होगी पूछा जाता है। देखिए, फुटबॉल को शॉकर कहा जाएगा। फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को ही हम शॉकर कहते हैं। परीक्षा में अगर आ जाएगा कि शॉकर किसे कहते हैं, तो गलती मत करेगा। मैं यहां पे थोड़ा सा साफ लिख दूं, क्योंकि शॉकर, फुटबॉल को शॉकर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि फुटबॉल के बारे में अगर आपको सीखना चाह रहे हैं, तो फुटबॉल से मिलता जुलता खेल था तुश्चू, यहां पर लिख दीजिएगा। देखिए, सभी लोग लिखना चाहे लिख लीजिएगा। ये कहां होता था? ये खेल का नाम है। ये कहां होता था? ये चीन में होता था। इसी के आधार पर लगभग ईसा पूर्व चीन में, तीसरी चौथी सदी ईसा पूर्व में चीन में फुटबॉल खेला जाता था, या मतलब तुश्चू खेला जाता था। और 1410 में इटली में आधुनिक फुटबॉल के समान खेल कैलिसियो खेला जाता है। 1857 में गठित सेलफील्ड फुटबॉल क्लब फुटब�ल का सबसे पुराना क्लब है, जो 1857 में सेफ फील्ड फुटबॉल शुरू की गई थी। भारत में यह खेल 1874 में शुरू किया गया। इसे लाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है, मतलब भारत में फुटबॉल लाने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। और याद रहे कि इस खेल की, माने फुटबॉल की, कि अगर हम बात करें तो कलकत्ता के डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है। इस खेल को विश्व संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, माने फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में की गई थी। फुटबॉल का जो पहला विश्व कप था, फुटबॉल का पहला विश्व कप जो था वो 1930 में, 1930 में मोंटेवीडियो उरुग्वे में आयोजित हुआ था। फुटबॉल
जो फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है। यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 24 फुट होगा। क्या होगा? 24 फुट। अगर गोल की चौड़ाई 24 फुट होती, गेंद की परिधि, अगर फुटबॉल गेंद की परिधि को बता सकता है, गेंद की परिधि, गेंद की जो परिधि होती है वो कितनी, फुटबॉल की जो गेंद की परिधि होती है वो कितनी होती है? 68 से 71 सेंटीमीटर होती है। आप लोग भी जानते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। प्रत्येक टीम में अगर खिलाड़ी पूछ लिया जाए कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कमेंट करके बताइएगा, तो 11 11 खिलाड़ी होते हैं। ये किस देश का खेल है, राष्ट्रीय खेल है, वो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा, फील्ड का आकार की लंबाई 91 से लेकर 120 मीटर और चौड़ाई 45 से 91 मीटर होती है। गेंद का वजन 396 से लेकर 453 ग्राम तक होता है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि लेबोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते थे? लेबोन जेम्स कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ये हम अमेरिका के थे और अमेरिका के प्रोफेशनल गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी कौन से खेल से थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बास्केटबॉल खेलते थे। क्या खेलते थे? बास्केटबॉल, अर्थात सवाल का जवाब तीसरा सही। आप लोग वीडियो को फटाफट सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रहित में है। अगला है सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? सभी साथी जवाब देंगे, किस खेल में खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कर बताइएगा। कुश्ती, रेसलिंग, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, स्प्रिंटर, तो सभी लोग जवाब देंगे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। ये जीएस जीके विविध स्टैटिक जीके की एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए है, जहां पर आज की टॉपिक है खेल प्रमुख खेल से उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, यहां पर इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो यहां पर है मुक्केबाजी, बॉक्सिंग। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दूसरा, अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, मुक्केबाजी। लड़ाकी का खेल और मार्शल कला, जिन्हें दो मुट्ठियों में प्रयोग करके लड़ते हैं, मुक्केबाजी से संबंधित शब्द है। हुक लिखना चाहिएगा, लिख लीजिएगा इसमें हुक, सभी लोग लिख सकते हैं। यहां सवाल आता है हुक है, क्रॉस है, और एक पुगलिस्ट आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है अपर कट है, अपर कट है, उसके बाद बोलो पंच है, बोलो पंच। तो ये सब जो शब्द है ये किससे हैं? ये सब मुक्केबाजी से ही है। ये सब किससे हैं? मुक्केबाजी से संबंधित है। इसकी स्क्रीनशॉट करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सभी को नमस्ते। अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से वो खेल कौन सा है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके जवाब दें। देखिए, अगर हम बात करें तो फ्री थ्रो, बास्केटबॉल, फ्री थ्रो क्या है? बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय एक 10 फुट ऊंचे घेरे में नियमों के साथ एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की प्रयास करते हैं। फ्री थ्रो लाइन बास्केटबॉल से संबंधित है, अर्थात इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मैराथन की दौड़ की दूरी क्या होती है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, बार बार मैराथन क्लास की बात की जाती है, ठीक है, और मास्टर वीडियो की बात की जाती है, लेकिन आप सभी लोग, अच्छा डेली क्लास की टाइमिंग आप लोग को पता, प्रतिदिन आप लोग इसी समय क्लास से जुड़े रहिएगा, ताकि हम लोग आपके साथ मिलकर एक सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़े। मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे मैराथन क्या है। देखिए, यह दौड़ यूनानी सैनिक और फिडिपिटिक्स की एक हरकारे के तौर पर मैराथन युद्ध में एथेंस तक दौड़ की याद में स्थापित की गई थी। हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध में एथेंस तक की दौड़ की याद में स्थापित की गई थी। इसलिए अगर हम बात करें कि इसकी दूरी क्या होती है, तो दूरी अगर हम बात करें तो यहां दूरी अगर हम किलोमीटर की बात करें तो यह 42.195 किमी, माने लगभग 42 किमी, लगभग 42 किलोमीटर।
अगर इसे मील में बात करें तो ये हो जाएगा 26 मील, 26 मील 385 गज, 385 गज। तो यहाँ पर ये भी आपको आंकड़ा पता चल गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 26 मील 385 गज। ये दोनों याद रखिएगा, किलो ये लगभग में, ये आपका लगभग में मतलब 42 किलोमीटर लगभग ये पूछा जाता है, यह सवाल यहां से आपके परीक्षा में पूछा जाता है किलोमीटर में क्या है। देखिए मील में भी याद रखिएगा लगभग 26 मील 385 गज, अगर किलोमीटर की बात करेगा तो लगभग 42 किलोमीटर अर्थात 42.195 किलोमीटर। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आप लोगों की संख्या कम हो रही है, अपने साथी मित्रों को ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करिएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है? सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। बताइए फटाफट कमेंट करके। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एकदम हल्का सा प्रश्न है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, काफी आसान सा प्रश्न है और कई बार आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा है। ये क्रिकेट के अगर हम शब्द की बात करें तो यह स्कॉटिश खेल है, कैट एंड डॉग से है, जिसे क्रिकेट कहते हैं। और 13वीं शताब्दी में हैंड इन हैंड आउट कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में क्रिकेट को हैंड इन हैंड आउट के नाम से जाना जाता था। क्रिकेट के बल्ले की अगर अनुमानित लंबाई की बात करें तो लगभग 38 इंच होती है। कितनी होती है? 38 इंच होता है। और अगर हम बात करें कि बल्ले का वजन कितना होता है, तो बल्ले का वजन बता सकता है कोई? बल्ले का वजन यहाँ पे देखिए, क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट के बल्ले की वजन की हम बात कर रहे हैं, अन्य कोई नहीं। ये 155.9 ग्राम से लेकर लगभग 163 ग्राम तक होता है, ग्राम तक क्रिकेट के बल्ले का वजन होता है। यहां से आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम अगले तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप्स के बीच की दूरी निम्नलिखित में से कितनी होती है? सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा। यहां पर हम ध्यान देखते हैं, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो यहां पर लगभग 2.5 फुट है, 3 फुट है, 3.5 फुट है, 4 फुट है। उम्मीद करते हैं इस सभी लोग का जवाब यहाँ पर सही आएगा। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा 4 फुट। 4 फुट वालों के जवाब सही थे, काफी कम लोगों ने इसका जवाब दिया है। पॉपिंग क्रीज जो वह निर्धारित करता है कि बल्लेबाज अपने स्थान पर मौजूद है या नहीं, जिसका इस्तेमाल फ्रंट टू फुट को नो बॉल को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसे स्टंप के दोनों सेटों में से प्रत्येक के सामने पिच के प्रत्येक छोर पर बनाया जाता है। पॉपिंग क्रीज की जो गेंदबाजी क्रीज के साथ के सामने 4 फुट, अगर इसकी बात करें तो 1.2 मीटर लगभग और इसके समानांतर होनी चाहिए। देखिए मीटर लिखा हमने, मीटर तो ये लगभग में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 4 फुट। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आप लोग के साथ। अगला है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का शब्द किस खेल से किया था? वीडियो में फटाफट जवाब दीजिएगा, वीडियो को फटाफट शेयर करिए भी अपने सभी साथी मित्रों को। लेकिन बटरफ्लाई की बात करें तो टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, तैराकी। तो यहां पर अगर इस प्रश्न की सही बात की बात करें, अच्छा 2 बल्ला और डेढ़ बल्ला, आधा बल्ला नाप लेते थे सर, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा? तैराकी। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर 4 बताया है तो आप सभी के जवाब सही हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी करने का एक तरीका है। तैराकी स्टाइल में छाती के बल पर तैराकी किया जाता है और दोनों हाथों से पीछे की तरफ पानी को धक्का दिया जाता है, इसे बटरफ्लाई स्ट्रोक कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 4 अथवा डी इसका सही जवाब है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप लोग जहां जरूरत पड़े प्रश्नों के स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखते चलिएगा। जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी, स्क्वैश, हॉकी, क्रिकेट। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी फटाफट बताइए।
जहांगीर खां किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जहांगीर का जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है 1963 में हुआ था जहांगीर का, ये वाले जहांगीर नहीं है मुगल काल के, ठीक है। कहां पे हुआ था? कराची। अब कराची कहां है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, ठीक। अब यहां पे आपको बताना है वे क्या थे, स्क्वैश, क्या थे वे, स्क्वैश के खिलाड़ी थे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला है राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो राष्ट्रमंडल खेल है पहली बार कब आयोजित किया गया था, 1948 में, 1938 में, 1934 में, 1930 में। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, जितने भी लोग इसे पढ़ रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए कुछ लोग 1934 बता रहे हैं, सब ज्यादातर लोग के जवाब 1934 आ रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और कमेंट करने के बाद जवाब जरूर दें। भाई जवाब तो सबको देना है ना, चाहे गलत हो चाहे सही हो। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये 1930 है। आइए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के अंतर्गत आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता है। पहली बार 1930 में कहां पे? हैमिल्टन शहर में, हैमिल्टन शहर में, हैमिल्टन शहर में और ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था। कहां पे? ओंटारियो, ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया गया था, ठीक है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा। और इसमें 11 देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितने देश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? 11 देश के 400 खिलाड़ी, 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, हिस्सा लिया था। तो यह जानते रहिएगा क्योंकि यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं और हम नहीं चाहते कि यहां से अगर प्रश्न आए तो आपकी किसी प्रकार से कोई गलती हो। तो यहां पर याद रखिएगा 1930 में हैमिल्टन शहर में और ओंटारियो कनाडा में हुआ था और 11 देश ने, 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, इस प्रश्न को फेसबुक पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? हॉकी, शतरंज, गोल, बिलियर्ड्स, पटिंग शब्द का। सभी साथी बताइएगा फटाफट कमेंट करके। सभी जवाब देखिए, जवाब दे अगर गलत या सही जवाब सभी को देना चाहिए। देखिए यहां पर सवाल का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गोल्फ। क्या होगा? गोल्फ, अर्थात तीसरा यूं कहे शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। देखिए गोल्फ गेंद और क्लब से खेला जाने वाला एक व्यक्तिगत खेल है जिसमें खिलाड़ी तरह तरह के क्लब में जाकर और गोल्फ के मैदान में दूरी पर स्थित एक छेद में गेंद डालने का प्रयास करते हैं। पटिंग शब्द का प्रयोग गोल्फ खेल में ही किया जाता है, ठीक। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा शब्द फुटबॉल के खेल से संबंधित नहीं है? प्रश्न में ध्यान से नहीं दिया तो गलती हो जाएगा, नहीं है, मतलब हम यूं कह सकते हैं यहां पर 4 विकल्प में से 3 सही है और एक गलत है, और यहां पर आप सभी को उसी गलत विकल्प का ही चयन करना है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जबकि जो पेनल्टी है किक, फ्री किक, ऑफ साइड, मिडफील्ड, सेंट्रल स्ट्राइकर, पास, बैक, फॉरवर्ड, किक, डायरेक्ट किक, लाइसेंस मैन, ये फुटबॉल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, पेनल्टी स्ट्रोक, तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है ये फुटबॉल में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगर हम बात करें तो जो पेनल्टी स्ट्रोक है इसका कहां पे प्रयोग किया जाता है? हॉकी में, हॉकी में किया जाता है, ठीक है।
हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो करके रखें। कौन सा पुरस्कार खेल कूद से संबंधित नहीं है? जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित और राष्ट्रहित में है। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्या आपने वीडियो को शेयर किया? चलिए, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, नॉर्मल बारलक पुरस्कार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो सभी लोग इसे आसानी से जवाब दे लेंगे, किसी का भी गलत नहीं होगा। देखिए, यहां पर नॉर्मल बोरलॉग है, जो यह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थात सवाल का जो सही उत्तर होगा वो यहां पे चौथा होगा, वो यहां पर डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर चौथा है तो इसका मतलब जवाब सही है। कह रहा कौन संबंधित नहीं है, तो यहां पर नॉर्मल बोरलॉग कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला है आपके सामने, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? मतलब इस विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो पहली बार ओलंपिक कब आयोजित किए गए थे? देखिए, यूनानियों द्वारा ओलंपस पर्वत पर खेले गए थे। किसके द्वारा? यूनानी द्वारा। यूनानी द्वारा ओलंपस पर्वत पर खेले गए थे। पर्वत पर खेले गए थे, कब खेले गए थे यही बताना है। तो ये 776 ईसा पूर्व, अर्थात इस सवाल का उत्तर बी, या इस सवाल का उत्तर दूसरा सही है। बैरन कोबरेंटिन फ्रेंच के प्रयत्नों द्वारा ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का वर्तमान में दोबारा 1896 में पुनः शुरू की जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षा और संस्कृति का विकास करना, खेलकूद के प्रति रुचि उत्पन्न करना, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेम और सद्भावना को प्रोत्साहन देना। यह खेल प्रति 4 वर्षों पर होते, कितने वर्ष पर होते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर यह खेल होते हैं। यह खेल प्रति 4 वर्ष के बाद होते हैं। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य होता है, और तेज, और ऊंचा, और बलशाली, अल्टीएस, सीटीएस, फोर्टीएस। जो पहला ओलंपिक का खेल आयोजन 1896 में हुआ था, एथेंस यूनान में हुआ था। कहां पर हुआ था? एथेंस यूनान में हुआ था। 30वीं ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? अब अगला जो आयोजन होने वाला है वो कहाँ होगा? ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो अगला है कब होएगा, या 40वां कब होगा, 32वां कब होगा, ऐसे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट सभी लोग करके रखिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, सभी मित्र जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। अगला है सवाल आपके सामने कि थॉमस कप का संबंध किससे है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी साथी इस वीडियो को यहां पर देख रहे हैं, सभी लोग इसका जवाब दे लेंगे कि थॉमस कप किससे संबंधित है। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, ध्यान से मैं इसके बारे में बताऊंगा, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिखते चलिएगा। देखिए, यहां पर सवाल का जो सही उत्तर होगा वो है बैडमिंटन। आप लोगों ने भी इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही बताया है, ए बैडमिंटन आपका एकदम सही जवाब है। अब यहां पर इसके बारे में, ठीक है, अगर बैडमिंटन की बात करें तो उबर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं की विश्व कप टीम प्रतियोगिता भी कहा जाता था, उबर कप को, एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसका कार्यक्रम और आयोजन स्थल थॉमस कप के साथ मिला दिया गया, जो पुरुष टीमों की एक वैश्विक प्रतियोगिता थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ए, अर्थात पहला इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, क्रिकेट। देखिए, खेल भी आपके सिलेबस में है, खेलकूद भी है, और हम चाहेंगे कि खेलकूद करण के साथ साथ पुराने प्रश्नों को पढ़ते चले, क्योंकि विविध और स्टैटिस का एक ऐसा सीरीज है जो परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होता है। राइडर कप यूरोप और अमेरिका के बीच खेला जाने वाला एक क्या है? फुटबॉल है, गोल्फ है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गोल्फ। अगर गोल्फ की बात करें तो ये यूरोप व यूएसए के बीच खेला जाता है। क्या है ये? गोल्फ है।
इसका आयोजन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है, 2 वर्ष के अंतर पर या अंतराल पर यूं कह सकते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह होता है। ठीक है, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं, एक बार इनके यहाँ, एक बार उनके यहाँ, एक बार इनके यहाँ उनके यहाँ। आप स्क्रीन शॉट करते चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला है आपके सामने, सॉरी प्रश्न है जो पहले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 1930 में कहाँ खेले गए थे, कहाँ आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में मैंने बता दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपसे गलती नहीं होगी। पहली बार जो हुआ था उसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था, 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था और ये 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतर पर होता है। लंदन, यूके, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, हैमिल्टन, कनाडा, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके इस सवाल का जवाब क्या होगा। यहां पर हैमिल्टन कनाडा मैंने आज के सेशन में ही पढ़ाया था और ये ऐसे इंपॉर्टेंट सीरीज है जहां से आपके परीक्षा में सवाल परीक्षा में हूबहू पूछे जाएंगे। हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, विविध जीएसजी के आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगला है वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, 7, 9, 5, 4। तो सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है। सभी साथी जवाब देंगे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए वाटर पोलो गेंद पकड़ करने के लिए खिलाड़ियों को केवल एक हाथ का उपयोग करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, वाटर पोलो में खिलाड़ी को एक हाथ का प्रयोग करना होता है, कितने का, एक हाथ का। एक हाथ का प्रयोग करना होता है। एक टीम में 6 क्षेत्र खिलाड़ी, फील्ड प्लेयर और एक गोलकीपर होता है। यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 7 होगा, 6+1, 7 खिलाड़ी होता है, फील्ड प्लेयर और एक गोलकीपर होता है। इस खेल का उद्देश्य फुटबॉल की तरह विपरीत टीम के विरुद्ध गोल करना होता है, मैंने विपरीत टीम के विरुद्ध क्या होता है, गोल करना होता है। जी अमित जी ने जवाब दिया है कि इंडिया 1896 में भाग लिया। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये पिछले सवाल का उनका जवाब आया है कमेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला है ईडन गार्डन कोलकाता में किससे संबंधित है, सभी साथी जवाब देंगे अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं, डेली सीरीज में है। ईडन गार्डन कोलकाता संबंधित है बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जितने भी लोग देख रहे हैं बताएं। हाँ कोई बात नहीं, अगर आपका यहां गलत हो गया भविष्य में गलत ना होने पाए। ईडन गार्डन किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए ईडन गार्डन भारत का एक प्रमुख मैदान है और ये कोलकाता में है और यहां पर क्रिकेट खेला जाता है। क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, सी या यू कहें। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर बात किया जाए इसकी स्थापना, तो कोई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला टेस्ट मैच यहां पे भारत और इंग्लैंड के बीच भी खेला गया था, यहां पहला जो टेस्ट खेला गया था वो किसके, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था यहां पर इस मैदान में। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। क्या आप लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है, जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे, इंदिरा गांधी कप का संबंध किससे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। अब आप समझ रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर है तो भैया अन्य किसी देश के लोग तो रखेंगे नहीं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हॉकी। मतलब थोड़े से दिमाग का हम लोगों ने प्रयोग किया और आसानी से इस प्रश्न का उत्तर जान लिया कि यहाँ पर भाई हॉकी हमारे देश का है तो सीधी सी बात है हमारे देश के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल भी है। अगला है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जवाब देंगे। फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को नया है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है, इस पे मूवी भी बनी है, आप लोगों ने देखा होगा भाग मिल्खा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं,
शब्द किससे संबंधित है? टीचर शब्द, फटाफट कमेंट करिए कौन से विकल्प को लॉक किया जाए। टीचर शब्द किससे संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल, बास्केटबॉल। सभी साथी जवाब देंगे। देखिए यहां पर शब्द का होगा कुश्ती, मुक्केबाजी, बेसबॉल, बास्केटबॉल। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है आपका बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल में क्या क्या है, जैसे कोर्ट है, बोर्ड है, पिचर है, कट है, डबल है, बोस्ट है, फाल्ट है, गेम बॉल है, हैंड इन, हैंड आउट, रैकेट, मार्कर, रबर, सर्विस, नी, कट, फाल्ट इन, नो सेट, डिफेक्लेशन। तो ये सारे जो शब्द है ये बास्केटबॉल से संबंधित है। आपने नोट्स पढ़ी होगी, अगर आपने लेनी भी दुर्गेश का नोट्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये सारे प्रश्न का पता होगा। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था? क्रिकेट का पहला विश्व कप कब आयोजित हुआ था? आपने देखा होगा क्रिकेट के विश्व कप से भी सवाल आते हैं, और 2020 विश्व कप हुआ, और वनडे का विश्व कप हुआ, और टेस्ट क्रिकेट का भी विश्व कप होता है। जरा कमेंट करके बताइएगा पहली बार कब आयोजित किया गया और उसका विजेता कौन रहा। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ, पहले इस प्रश्न का जवाब सभी साथी देंगे। अगर हम बात करें क्रिकेट का जो पहला विश्व कप था, पहला संस्करण था, वो 1975, 76, 83, 80 कब? तो यहां पर होगा 1975 में पहला संस्करण आयोजित हुआ, ठीक है, और कब? इंग्लैंड में 7 से 21 जून। ये कब कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। यहां पर अगर बात करें यहां पर क्या होगा, इंग्लैंड में 7 से 21 जून 1975 में आयोजित हुआ था। टूर्नामेंट जो प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था, इसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। कितने टीम ने? 8 टीमों ने भाग लिया था। अब मेरा सवाल है कि पहला विश्व कप विजेता कौन था, पहला जो वर्ल्ड कप था वो विजेता कौन था? सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। देखिए जो पढ़ रहे हैं उनके काम के लिए, अब जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है। इस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो फ्री थ्रो की बात करें तो यहां पर बास्केटबॉल होगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, बास्केटबॉल की होल, फ्री थ्रो लाइन, स्टॉप वॉच, टाइम वॉच, लाइव बॉल, सब्स्टिट्यूट, 3-second rule, पिवोट टिप ऑफ, आउटलेट पास, हुक पास, ओवर टाइम, फाउल आउट, लीड पास, ये सारे शब्द जो हैं ये बास्केटबॉल से संबंधित हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि लिम्बा राम का नाम किस खेल से जुड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं झोला भर भर के। लिम्बा राम का नाम किससे जुड़ा है? लंबी दूरी की दौड़ से, निशानेबाजी, धनुर्विद्या, घुड़सवारी। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। लिम्बा राम पहले तो जान लीजिए भारत के थे, कहां के थे? लिम्बा राम जो थे ये भारत के थे, नाम से समझ में आ रहा है ये भारत के थे, ठीक। और अगर ये भारत के थे तो इनके बारे में आप तो जानते होंगे इनका संबंध किससे था, ये तीरंदाजी से। इनका संबंध तीरंदाजी धनुर्विद्या से था, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, या यू कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा। हम अगले सवाल की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? अगर शुरुआत से क्लास में बने होंगे आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन है? बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए अगर हम बात करें कि अमेरिका का, तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट अंदाज में। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बेसबॉल। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा? ए, बेसबॉल। बेसबॉल एक बल्ले एवं गेंद से खेला जाने वाला अमेरिकी खेल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था। कब? 1846 कहां पे? इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था, लेकिन इसको वास्तविक रूप कुछ परिवर्तन के साथ उत्तरी अमेरिका में मिला था, और यूएसए का ये नेशनल गेम है। ये यूएसए का कहां पर? ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल भी है। ये क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, क्लास के साथ साथ आप खुद का नोट्स बनाइए
और वैसे चाहे तो घर बैठे भी लेनी विद्युत गैस के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जंप बॉल, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल। जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी जवाब देंगे कि जंप बॉल किससे संबंधित है। तो जंप बॉल की अगर हम बात करें तो इसका संबंध बास्केटबॉल से, किससे है, बास्केटबॉल। इसमें बेसबॉल है, नेटबॉल है, सॉफ्टबॉल है, लेकिन इसका संबंध जो होगा वो बास्केटबॉल से। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है ले अप शॉट, ये सब नोट्स में होगा, अगर आपने नोट्स पढ़े होंगे लेनी मित्र के उसमें आपको मिल जाएंगे। ले अप शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर बास्केटबॉल ही होगा, यहां पर भी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बास्केटबॉल ही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि शतरंज चेस का खेल शुरू हुआ था कहां से। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें कि जो चेस का खेल है वो कहां से शुरू हुआ था। सभी लोग जवाब देंगे, देखिए यहां पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें सामान्यतः जो माना जाता है चेस शतरंज भारत में शुरू हुआ था, कहां पे, भारत में शुरू हुआ था और ये ईसाबाद 7वीं सदी में शुरू हुआ था। भारत में यह पार्सिया तथा उसके आसपास के क्षेत्र में भी फैला और 8वीं शताब्दी के शुरू में मुसलमान इसे स्पेन ले गए। इसका बाद 1000 तक यूरोप में भी फैल गया, माने 1000 साल तक जाते जाते यूरोप में भी फैल गया। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए, भारत में इसका जन्म हुआ था, यहां से पर्शिया जाता है, ठीक है, पर्शिया के बाद उसके आसपास क्षेत्र फैलता है, 8वीं सदी आते आते मुसलमान इसे स्पेन लेके चले जाते हैं, स्पेन से लगभग 1000 ईस्वी आते आते ये पूरे यूरोप में फैल जाता है। हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या, अच्छा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरा कमेंट करके बताएं आप में से कितने को शतरंज खेलने आता है, चेस खेलने कितने लोग को आता है, उसमें घोड़े की चाल एक बार में कितनी होती है, वो कमेंट करके जवाब देंगे। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। तो आप समझिए अगर भारत की बात करेगा तो बास्केटबॉल तो होगा नहीं, बैडमिंटन हो नहीं सकता, यहां पर हॉकी फुटबॉल में हॉकी होगा, क्योंकि प्रश्न में अगर आपने अगर नहीं याद है तो प्रश्न से ही अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। फेडरेशन कप को हीरो फेडरेशन भी कहा जाता है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी, 1977 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी और फेडरेशन कप हॉकी से संबंधित है जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। अगला है सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। देखिए सुब्रतो कप, इसकी भी शुरुआत अगर देखा जाए, इसकी जो शुरुआत थी सुब्रतो कप की वो 1960 में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया था और यह भारत में है और भारत के लिए अगर बात करें तो किसके लिए, फुटबॉल, किसके लिए, फुटबॉल। हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, जितने लोग लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं उनके जवाब सही आ रहे हैं। अगला है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सभी साथी जवाब देंगे, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। संतोष ट्रॉफी, देखिए संतोष ट्रॉफी का संबंध, देखिए इस प्रतियोगिता शुरुआत 1941 में हुई थी, बताइए एक बार, फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से। बहुत सारे लोग के जवाब सही आए हैं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। नेहरू ट्रॉफी, देखिए यहां पर जानते रहिएगा कि नेहरू कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन 1982 से किया जा रहा है।
1982 से इसका आयोजन किया जा रहा है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजू, प्रिया, शानभाग। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बुला चौधरी। बुला चौधरी एक लंबी दूरी तय करने वाली तैराक है। यह विश्व में ऐसी पहली महिला है जिन्होंने 5 महाद्वीपों के 7 समुद्र तैरकर पार किए हैं। इन्हें जलपरी, इन्हें क्या कहते हैं, जलपरी, इन्हें जलपरी की उपाधि मिली है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। माउंट एवरेस्ट पर 2 विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? सभी साथी इसका जवाब कमेंट में देंगे। देखिए डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम पर सभी लोग जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे सभी क्लास आपको निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में मिलता रहेगा। तो बताइए संतोष यादव, सुमा थिरूर, सूरज लता देवी, ज्योति रंधावा। तो यहां पर क्या होगा, संतोष यादव, ये फीमेल थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ। कौन सा जोड़ा गलत है? जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अब कमेंट करके बताएं। लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां पे गलत नहीं होना चाहिए। जीव मिल्खा सिंह गोल्फ, इरफान पठान क्रिकेट, अभिनव इंदर राइफल शूटिंग, सानिया मिर्जा बैडमिंटन। उम्मीद करते हैं एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जितने लोग ने पढ़ा है और अब इस प्रश्न का जवाब गलत दे लें। सभी के उत्तर सही होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है जिसका यह सवाल गलत हो। बताइए आप लोग। अब देखिए एकदम सही, इरफान पठान क्रिकेट सही है, यह भी सही है, यह भी, ये गोल्फ ये गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका ए पहला होगा। जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके बोर्ड पर है। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के खेल में दोनों तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी साथी जवाब देंगे। बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। यहां पर 5 खिलाड़ी होते हैं, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 4 सही है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? बेंगलुरु, देहरादून, चंडीगढ़, कानपुर। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? सभी साथी जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश का इकलौता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क कानपुर में है, याद रखिएगा। यह यूपी स्पेशल का हो गया सवाल, विविध करंट के साथ साथ यूपी स्पेशल का भी सवाल बन गया आपके लिए। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अंजू बाबी जाज किस खेल से जुड़ी हुई हैं? टेलीग्राम पर मैं बार बार कहूंगा, डेली क्लास के लिए दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। डेली क्लास के लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। और आप सभी लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। नोट्स से संबंधित यदि कोई भी जानकारी चाहिए तो घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आप सभी के लिए लाइव चलती हैं। मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में है। और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर जाइएगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी के सभी नोट्स मिल जाएंगे। ई लर्निंग विद दुर्गेश एनसीईआरटी के नोट्स 6 से लेकर 12 तक के, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं, आप नोट्स पढ़ सकते हैं। और ई लर्निंग विद दुर्गेश पर ढेर सारे क्लास ऐसे हैं जो निःशुल्क आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर एक ही जगह मिल जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज का आखिरी सवाल है, फिर हम अगले सेशन मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, इसी समय अगले दिन आपके साथ लाइव मिलते हैं और एक और नए आगाज के साथ, क्योंकि हम आपके साथ मिलकर अब की बार एग्जिट हमार की तैयारी करेंगे। आप अपना बेहतर दीजिए, सिलेक्शन आपके कदमों में जरूर होगा। अंजू बार जो बाबी जार्ज है एक भारतीय एथलीट है। ये क्या है, एक भारतीय एथलीट है। ये कहाँ की है, ये भारत की है। कहाँ की है, ये भारत की, भारतीय एथलीट है, ये आप लोग जानते रहिएगा।
ठीक है, और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी थी, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। जरा कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोग कल एकदम इसी समय लाइव सेशन में लाइव क्लास को पढ़ेंगे। जो कमेंट कर रहे हैं वो वाई लिखे, जो जो नहीं आएंगे वो यह लिखे। इसके अलावा आप कौन सा विषय थियरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप इलेनी बी दुर्गेश के नोट्स प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, एक और नए वीडियो के साथ, जीएस जी के विविध स्टैटिक की सीरीज। जब तक सीरीज समाप्त नहीं होगी, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो करके लाइक करके रखिएगा, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वहां भी फॉलो करना ना भूलेगा, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, इंस्टाग्राम पर मेरी भी आईडी है व्यक्तिगत, ये तो इलेनी बी दुर्गेश की है। थैंक यू।